अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमजा मुगल फिटनेस और मैं हूं हमजा मुगल। सबसे पहले तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत इंडिपेंडेंस मुबारक। थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ लेकिन इंडिपेंडेंस मंथ है तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत इंडिपेंडेंस मुबारक हो। तो गाइज फाइनली जिम्स ओपन हो चुके हैं आफ्टर द वेरी लॉन्ग लॉकडाउन। तो अब आपने एक भी छुट्टी नहीं करनी और अपनी रूटीन के साथ वर्कआउट करना है। तो आज जो हम वर्कआउट करेंगे जिम जाके वो है शोल्डर्स वर्कआउट। तो बिना किसी वेट के हम चलते हैं अपने जिम। चले आ जाए जिम चले। सबसे पहले हम डंबल प्रेसेस लगाएंगे शोल्डर्स के। आप डंबल्स को अपने कानों के एंडिंग पॉइंट्स तक लेकर आएंगे, फिर ऊपर जाके स्लो से रोकेंगे, ठीक है। और लास्ट सेट के अंदर आप 10% वेट कम करके ड्रॉप सेट लगाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर हम मशीन प्रेस लगाएंगे। अगर आपके पास जिम में मशीन नहीं है ये वाली तो आप खड़े होकर भी कमांडो प्रेसेस लगा सकते हैं। इसके अंदर आपने वाइड ग्रिप रखनी है और अपनी जो आपकी मुट्ठियां हैं इन्हें स्ट्रेट करके रखना है। इन्हें बेंड करके रखेंगे तो आपकी कलाई के ऊपर लोड आएगा, शोल्डर के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा। ओके, अब हम लगाएंगे फेस पुल रोप। इसके अंदर आपने रोप को अपने फेस के पास ला के रोकना है और अपनी एल्बोज को हाई रखना है ताकि आपके ट्रैप्स के ऊपर अच्छी कॉन्ट्रैक्शन है आपके ट्रैप्स। ओके गाइज, अब हम साइड लैटरल लगाएंगे। इसके अंदर आपने फर्स्ट मूवमेंट में बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है अपनी एल्बोज और उसके बाद थोड़ी सी टर्न करिए, जैसे आप देख सकते हैं एरो के अंदर पॉइंट किया हुआ है मैंने। और लास्ट के अंदर आपने स्ट्रेट एल्बोज उठानी है। ये तीनों मूवमेंट जो हैं एक रैप आपकी काउंट होगी, ठीक है। अच्छी कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगी, ये ट्राई करके देखें आप। अब हम लगाएंगे अप डाउन रो, जिसे कुछ लोग कॉलर रॉड भी कहते हैं। तो इसे लगाने के लिए आपने अपनी एल्बोज हाई रखनी है और ऊपर ले जाके थोड़ा सा रोकना है रॉड को, ठीक है। ओके गाइज, हमारी लास्ट एक्सरसाइज है डीबी श्रग्स। इसके अंदर आपने अपनी एल्बोज को बेंड नहीं करना है, ठीक है। एल्बोज ऊपर ले जाके आपने रोकनी है अपने श्रग्स ट्रैप्स के ऊपर और फिर स्लोली नीचे लेकर आए।